माननीय विधायक महोदय द्वारा जिस प्रकार से नगर परिषद में फर्जी पट्टे बनाना, सरकारी भूमि पर निर्बाध रूप से अतिक्रमण कराना, नगर परिषद में जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाना, दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में यहां के कुशासन को जवाब भी देगी और माननीय विधायक जी को जवाब भी देगी। एकदम सोई हुई सरकार है, सोया हुआ प्रशासन है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारा बाड़मेर का नगर परिषद राजस्थान पूरे में भ्रष्टाचार में नंबर वन। ये लोकतंत्र है कि गुंडा राज? मरीज को अगर आईसीयू वार्ड की आवश्यकता है तो मेवाराम जी के कार्यालय से फोन जाएगा तो आईसीयू वार्ड मिलेगा। निरंतर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार आकंठ में डूबा यहाँ का शासन प्रशासन और विशेष करके माननीय विधायक महोदय द्वारा जिस प्रकार से नगर परिषद में फर्जी पट्टे बनाना, सरकारी भूमि पर निर्बाध रूप से अतिक्रमण कराना, फिर वापस दिखावा करके अपने ही भाई के द्वारा आवंटित किए गए पट्टों को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू करना और जो कब्जे किए गए तो उनको बेदखल करने की औपचारिकता करना, उसके अलावा नगर परिषद में जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाना, जितनी भी मूलभूत सुविधा है चाहे नाली ठीक करना हो, चाहे सड़क का विषय हो, चाहे लाइट का विषय हो, जब भाजपा का पार्षद कहता है तो उनकी एक भी नहीं सुनना और कांग्रेस के पार्षद के प्रति एक पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं उसको प्राथमिकता देना। बाकी जगह जगह नालियाँ टूटी पड़ी है, जगह जगह खाले टूटे हुए पड़े हैं, जगह जगह सड़कें टूटी हुई पड़ी है, रोडें चारों तरफ जाम है, अराजकता का वातावरण है, शासन नाम की चीज़ नहीं है, निरंतर यहाँ चोरी की वारदातें हो रही है, पुलिस को कहने के बावजूद कोई सुन नहीं रहा है, जो यहाँ के विधायक है वो सीएम बने हुए स्वयं को लोगों को धमकियाँ और दे रहे हैं, और यहाँ न्याय तो छोड़िए शासन प्रशासन सब एक तरह से जैसे कोई व्यक्ति के ही एक वशीभूत हो रखा है। इस प्रकार का जो कुशासन है, इस कुशासन के विरोध में बाड़मेर शहर, बाड़मेर विधानसभा और यहाँ की जो जनता त्रस्त हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि भाजपा कार्यकर्ता पार्षदों उनके अलावा भी बहुत सारी जनता त्रस्त होने के कारण यहाँ निरंतर संख्या भी बढ़ रही धरने के ऊपर और अनेक विकट समस्याओं को लेकर हम आज धरने पर बैठे हैं और आप इस जनता की पीड़ा भी जान सकते हैं। बहुत सारी समस्याओं को लेकर आप अन्य लोगों से भी बात करिए कि ये जो त्रस्त जनता है ये दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ के कुशासन को जवाब भी देगी और माननीय विधायक जी को जवाब भी देगी। स्थानीय प्रशासन के जो मूलभूत मुद्दे रहते हैं सफाई, वो बाड़मेर में कहीं भी दिख नहीं रही है। पिछले साढ़े चार साल के कार्यकाल के अंदर इन्होंने न तो कोई नई भर्तियाँ निकाली, बाड़मेर शहर निरंतर बढ़ रहा है लेकिन उस अनुपात में न तो इन लोगों के पास सफाई कर्मचारी हैं, पट्टों के माध्यम से जो 501 रुपए में पट्टे देने थे नहीं दिए, आए तो खूब कर ली लेकिन बाड़मेर का विकास कहाँ, और थोड़ा बहुत जो विकास हुआ किस दर पे हुआ है? बोर्ड की मीटिंग हुए को आज लगभग एक साल से ऊपर हो गया है, बाड़मेर के विकास के अंदर पार्षदों की कोई भागीदारी नहीं है, न उनसे कुछ पूछा जा रहा है। ऐसी तानाशाह सरकार अब चलेगी नहीं। आज बाड़मेर का नागरिक अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, सड़क जहाँ बन रही है वहाँ एकदम घटिया निर्माण, ऐसी ऐसी सड़कें भी यहाँ बन गई है जो मात्र एक दिन के अंदर टूट गई है, रात को बन रही है और सुबह टूट रही है, उसकी लिखित शिकायत देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। बाड़मेर के अंदर जितनों भी सड़कों का काम चल रहा है यहाँ के AEN, XEN या जितनी भी तकनीकी अधिकारी है वो कभी मौके पर जाके देखते ही नहीं है कि उसके अंदर क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है, ठेकेदारों द्वारा कैसा कार्य किया जा रहा है। एकदम सोई हुई सरकार है, सोया हुआ प्रशासन है। सामने बाड़मेर शहर का जो धरना है, नगर परिषद में व्याप्त अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, फर्जी पट्टे, कोई बात नहीं, फर्जी पट्टे और जनहित के कार्य न होना, उनके प्रति रोष प्रकट करने के लिए सभी बाड़मेर के शहरवासी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारा बाड़मेर का नगर परिषद राजस्थान पूरे में भ्रष्टाचार में नंबर वन है। ये लोकतंत्र है कि गुंडा राज है? इसका श्रेय किसको जाता है? हमारे विधायक मेवाराम जी को। मरीज को अगर आईसीयू वार्ड की आवश्यकता है तो मेवाराम जी के कार्यालय से फोन जाएगा तो आईसीयू वार्ड मिलेगा।